लेट्स डू दिस आई लुक। तो सबसे पहले हम क्या करने लगे हैं, हम लेंगे एक ब्राउन आईलाइनर। आप ब्राउन आईलाइनर नहीं है तो आप कॉन्टूर भी ले सकते हो, वो लेके अपनी पूरी लिप पे लगा दो। ब्राउन शेड लगा दिया, बिफोर इट गेट ड्राई डाउन हम क्या करेंगे, ये कॉन्टूर से शेड लेके पैलेट में से इसके ऊपर पैट कर, शेड लेके, ये ब्रॉन्जर शेड है, ये कॉन्टूर शेड था, तो अब मैं इसको इन दोनों को ब्लेंड कर दूंगी। दे शुड लुक लाइक टुगेदर। मैं एक लेने लगी हूँ पैटिंग ब्रश, उसमें मैं क्या करूंगी, ये वाला ब्लू शेड लेके रिमूव द एक्सेस, डोंट टेक इट आउट फ्रॉम योर सॉकेट। जब आप ऐसा कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो ट्राई टू बी इनसाइड योर सॉकेट, क्योंकि जब वो आप उसको ब्लेंड करोगे तो ऑफकोर्स यू गोना टेक इट आउटसाइड। अ बिट ऑफ ब्लैक शेड ऑन माय आउटर कॉर्नर, ग्लिटर बॉम्ब वीवाला दीवा पैलेट का, इसमें से ये मैं ब्लू शेड लेके, ये बहुत पिगमेंटेड है एंड मुझे ग्लिटर ग्लू की जरूरत नहीं है, मैं इसको ऐसे ही लगा सकती हूँ। वाला गोल्ड लेके इसको इनर कॉर्नर पे एड कर दूंगी। आप इसको स्किप भी कर सकते हो, बट व्हाई आई एम डूइंग द लाइनर, बिकॉज समटाइम्स व्हेन जब हमने ग्लिटर्स लगाए होते हैं ना, तो लैशेज हमारी स्टिक नहीं होती, तो ग्लिटर वो लाइनर लगाने से क्या होगा, वो स्टिक हो जाएगी। वन आई एम यूजिंग इज फ्रॉम अर्बन डिके, इन द शेड इज इलेक्ट्रिक एम्पायर। दीज आर वन ऑफ माई फेवरेट लाइनर्स, बिकॉज ये कभी भी स्मज नहीं होते, आपकी आंख के नीचे नहीं लगेंगे, कुछ भी नहीं होगा, जहां पे इसको सेट करोगे इट गोना कीप देयर। ये ग्लिटर लाइनर लेके, दिस इज फ्रॉम टेक्निक कोट, लाइक ऐसे एक लाइन लगाने लगी हूँ। वुड यू ट्राई दिस, लेट मी नो। डोंट फॉरगेट टू सेव दिस वीडियो, सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू डू दिस काइंड ऑफ मेकअप, यू विल हैव ऑलरेडी विद यू, सो इट विल बी इजियर फॉर यू टू डू इट।